आजकल हैंडमेड चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में हैं, चाहे कोई ज्वेलरी हो या फिर कपड़ा, हर कोई हैंडमेड पहनना चाहता है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर हैंडमेड कपड़े सालों से चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट की प्रसिद्ध हैंडमेड बाघ प्रिंट बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। यह प्रिंट आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है। इस प्रिंट को जियो टैग भी मिल चुका है। बता दें, यह प्रिंट धार के सबसे छोटे गांव बाघ में बनती है। इस प्रिंट का नाम बाघ यहाँ के प्रसिद्ध नदी बाघिनी पे रखा गया है। तो चलिए बात करके विस्तार से जानते हैं इस प्रिंट के बारे में। नमस्कार, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम मासान है और मैं लिबास फैशन एंड बुटीक का ऑनर हूँ। तो आपने ये बताया बाघ प्रिंट के बारे में, बाघ प्रिंट काफी ट्रेंडिंग है फिलहाल, तो ये बाघ प्रिंट में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है जो ये इतना प्रसिद्ध है? ये बाघ प्रिंट रहता है, ये पूरा नेचुरल रहता है। अब ये आप देखें, ये रेड के ऊपर है, जैसे ये कलर जो है ना, ये इसके हैंड ब्लॉक्स रहते हैं। ये देखें, आपको मैं हैंड ब्लॉक भी दिखाता हूँ। ये पूरा इसी से बना हुआ है, ये इसी हैंड ब्लॉक से बना है। ये इसको पूरा ऐसे करके बनाया जाता है ये पूरा बाघ। और ये जो बाघ प्रिंट रहता है, ये पूरा नेचुरल डाई पे रहता है और ये वेजिटेबल डाइस पे रहता है, वेजिटेबल डाइस के कलर्स रहते हैं। अच्छा, ये जो इसका प्रोडक्ट है बाघ का, इसमें आपको केमिकल फ्री मिलेगा। ये पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहते हैं, ये इसके अंदर कुछ भी मतलब 1% भी आपको केमिकल नहीं मिलेगा, पूरे ओरिजिनल हैंड ब्लॉक रहते हैं। अच्छा, ये जब ये फैब्रिक बेसिक रहता है, पूरा प्लेन जब फैब्रिक रहता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं इंक्लूड के, इसके पूरा जो केमिकल्स रिमूव करे जाते हैं इसमें पहले, उसके बाद इसको प्रिंट करा जाता है। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ये है मेरे पास प्रोडक्ट, एक सूट ये रखा है साइड में, ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे होंगे, तो ये जो ब्लैक कलर है, ये आयरन रस्ट से बनता है। आयरन रस्ट को बना के उसके बाद इसका प्रोसेस करके पूरा ये, फिर उसके बाद ये ब्लैक कलर बनाया जाता है। ऐसे ही काफ़ी सारे कलर्स रहते हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे ही लगभग कलर्स आते हैं जो कि वेजिटेबल डाइस से रहते हैं, तो उससे पूरा ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आपको बाघ का बताऊं कि बाघ जो है, ये मध्य प्रदेश में एक जो बाघनी नदी है, आप लोग सर्च करेंगे बाघनी नदी, ये बाघनी नदी पे, नदी के पास एक गाँव है बाघ गाँव, तो वहाँ बनता है। और ये बाघ प्रिंट जो है, इसका नाम भी जो है वो बाघनी नदी के नाम से आया है, वरना इससे पहले जब ये बनता था तो ये सिर्फ, आपको बताऊं तो आदिवासी लोग जो रहते हैं, जो घाघरा चोली वगैरह जो वेयर करते हैं, उन लोगों के लिए बनता था। और इसका नाम था रंगाई छपाई, इसका मेन जो पहला पुराना नाम था रंगाई छपाई का, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इसको पसंद करना शुरू करा, उसके बाद फिर ये इसका बाघनी नदी पे ही इसका नाम रखा गया कि बाघ प्रिंट। उसी गाँव का भी नाम बाघ गाँव है, तो बाघ प्रिंट के नाम से इसका नाम रखा गया। तो बाघ नदी के नाम से इसका नाम तो रखा गया किया, तो इससे इस कपड़े की, जैसा आपने बताया कि धुलाई भी बाघ नदी के पास होती है, इसकी जो पूरा वॉश जो है, ये बनते टाइम ये 6 से 7 बार ये वॉश होता है। ये जब बनता है तो पहले कोरा कपड़ा आता है, कोरा कपड़े को वॉश कराया जाता है, उसके बाद जब एक बार प्रिंट होता है, उसके बाद फिर वॉश होता है, तो ये बनते बनते ये 5 से 6 बार वॉश हो जाता है ये फैब्रिक, तो उसी नदी में ये बनता है ये। अच्छा, एक उस नदी की खासियत है, ये बाघ प्रिंट सिर्फ वहीं बनता है, जियो टैग गवर्नमेंट ने दिया हुआ है इसको, ये बाघ प्रिंट जो बनेगा सिर्फ वहीं बनेगा, तो उसको जियो टैग भी मिला हुआ है बाघ प्रिंट का, तो वही बाघ प्रिंट कहलाएगा। बाकी बाघ प्रिंट अपन ब्लॉक, जैसे इस टाइप के ब्लॉक्स हैं, ये कहीं भी कोई भी कर सकता है, बट ये वो चीज़ नहीं आ सकती, पूरी जो नेचुरल प्रोसेस है वो चीज़ नहीं आ सकती कोई अदर देन बाहर करता है। बाघ प्रिंट को जैसे एक नेचुरल फैब्रिक, नेचुरल प्रिंट कहा जाता है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? बाघ प्रिंट को नेचुरल फैब्रिक इसलिए कहा जाता है मैम, क्योंकि ये पूरा नेचुरल प्रोसेस से ही बनता है। इसमें जो भी स्टार्टिंग से बेसिक जो प्रोसेस है, जब फैब्रिक आता है उस प्रोसेस से लेके बाकी जब इसकी जो फिनिश की प्रोसेस है, ये पूरी नेचुरली रहती है। इसमें कोई भी कहीं भी केमिकल्स कोई भी यूज नहीं किए जाते, ये पूरा वेजिटेबल डाइस से रहता है। हाँ, ये कैसे शुरुआत होती है, इससे लेकर अंत तक की जो इसके बनने का सफर होता है, उसको एक छोटे से फॉर्म में बता सकते हैं? मैम, इसका बनने का जो सफर होता है छोटे से फॉर्म में, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये पहले तो कोरा कपड़ा आता है, उसके बाद इसको वॉश किया जाता है, कुछ नेचुरल चीजों से वॉश किया जाता है, ताकि फैब्रिक का जितना भी आपका जो केमिकल्स वगैरह हो वो पहले निकाले जाए, उसके बाद फिर से ये बनाया जाता है इसको, उसके बाद इसकी
ब्लॉकिंग की जाती है फैब्रिक की, ब्लॉकिंग के बाद फिर इसको सुखाया जाता है 2 से 3 दिन धूप में, उसके बाद फिर इसके बाद इसके ऊपर जितने भी आप ये कलर्स देख रहे हैं ये करे जाते हैं, कलर डाई होता है, भट्टी होती है, तो ये पूरा इसका नेचुरल प्रोसेस है। ये पूरा तांबे का इनका कढ़ाई रहता है पूरा, उसके अंदर इसका पूरा कलर्स बनाए, कलर्स करा जाता है, कलर करने के बाद 2 से 3 दिन इसमें धूप लगाई जाती है, सूख तो 2 घंटे में जाएगा, 2 से 3 दिन इसमें धूप लगाई जाती है, उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट रेडी होता है। अच्छा, आपको मैं और बताऊं कि ये जो आप जितने भी प्रोडक्ट देखते हैं इस पर किसी पे भी आयरन नहीं की जाती, इसकी भी एक अलग प्रोसेस है, ये भी नेचुरल प्रोसेस है पूरा, ये रोल प्रेस किया जाता है। तो ये भी एक लकड़ी का एक डंडा रहता है, उसके ऊपर पूरा इसको रोल किया जाता है, उसको 3 से 4 दिन उसको भी धूप में रखा जाता है, जब जाके इसकी वर्क प्रेस होती है। आयरन भी इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।